तो आज क्वारंटीन का लास्ट डे है और अभी मैं जा रहा हूँ होटल से बाहर मैगी खरीदने। हाँ मैगी, आपने सही सुना। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है वहाँ जापान में कैसा खाना मिलेगा, तो अपन थोड़ा रिजर्व में लेके चलते हैं। खाना अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर सिप पे खाएंगे और क्या। Thank you.
सो गाइज वेलकम टू जापान एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस व्लॉग क्योंकि ऑफकोर्स ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप है और बहुत मज़ा आ रहा है। शुरुआत करते हैं इस होटल रूम से। तो इस रूम से बाहर जाना मुझे अलाउड नहीं है क्योंकि क्वारंटीन के रूल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस रूम में कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता है बिकॉज़ यहाँ पर हर जगह पर स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए, और अगर आप स्मोकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो यहाँ 20,000 येन का फाइन लगता है। बाकी आई नो कि मैंने पूरी दुनिया नहीं घूमी है, ये मेरा फर्स्ट कंट्री है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट कंट्री एवर। सो गाइस, आज है होटल का दूसरा दिन और यहाँ खाना आया हुआ है दिन का और सुबह ब्रेकफास्ट का भी आया हुआ है। सो मैं तो लेट से उठा हूँ और अभी देखते हैं कि खाना इन्होंने क्या क्या दिया। पता नहीं क्या क्या है, यहाँ तो वेजिटेरियन है, ये भी वेजिटेरियन है, ये भी सोयाबीन का ही बना हुआ है। बाकी खाना ठीक ठाक है, बढ़िया है, और साथ में एप्पल जूस है, थोड़ा कटलरी दे दिया है, ओवरऑल ठीक है। लैंडिंग होने के बाद मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट 1 घंटे में दे दिया, जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आया तो ही वहाँ से मुझे जाने की परमिशन मिली। तो यहाँ से मेरी जर्नी बिल्कुल चेंज होने वाली है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और देखते हैं सिप का लाइफ क्या होता है, कैसा होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप बहुत अमेजिंग पर्सन है। सो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वन।